दिल्ली के मंत्री और आप नेता सौरभ भारद्वाज ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हत्या की साजिश रची जा रही है। जेल के डीजी ने एम्स को पत्र लिखकर कहा कि हमें एक एक शुगर विशेषज्ञ की जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि न केवल भारत में बल्कि कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया देख रहे हैं कि किस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। तिहाड़ जेल में डीजी ने कल AIMS को लिखा है कि हमें एक शुगर विशेषज्ञ की जरूरत है। आज भाजपा की केंद्र सरकार सबके सामने बेनकाब हो गई है। कौशाम्बी जिले के सपा राष्ट्रीय महासचिव और मंझनपुर के विधायक इंद्रजीत सरोज का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसमें वो एक जाति विशेष को बदमाश कह रहे हैं। ये वीडियो मंझनपुर सपा कार्यालय का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है। वहीं इंद्रजीत सरोज के वायरल वीडियो से छत्तीस समाज के लोगों में आक्रोश है। विधायक पिता इंद्रजीत सरोज के वायरल बयान के बाद सपा प्रत्याशी बेटे पुष्पेंद्र सरोज के खिलाफ आक्रोश देखा जा रहा है। और केवल छत्री बिरादरी के जो गुंडे हैं, केवल छत्री बिरादरी के मुट्ठी भर लोग हैं जो लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, अत्याचार करते हैं, बराबर से उठने बैठने नहीं देते हैं, अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करने देते।